और कैसे हो बच्चों? इससे पिछले क्लास में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग के सेक्शन में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह का प्रॉपर्टी वगैरह को हमने कंप्लीट किया था, है ना। और ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं वो पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर को पढ़ेंगे बाबू, कि कैसे हम लोग जो डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है एसआई यूनिट, है ना, ध्यान दीजिएगा, सॉरी कॉमन यूनिट। डिग्री सेल्सियस कौन सा यूनिट हुआ? कॉमन यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपको एसआई यूनिट में, है ना, तो उसके बाद फेरनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, कि कैसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कैल्विन में बदले और कैसे कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले। आप जब केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो हर एक जगह जो आपको यूज होगा बाबू वो आपको कन्वर्ट करना रहता है कहीं ना कहीं डिग्री सेल्सियस को किस में, कैल्विन में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक आज डालेंगे, छोटा सा सेक्शन पढ़ेंगे आज, ज्यादा नहीं, कॉमन, है ना, ठीक, कॉमन यूनिट, है ना, ध्यान दीजिएगा कॉमन, ये ना टॉपिक आपका जाएगा, क्लियर, चलिए ठीक। कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ क्या, टेम्परेचर। कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट टेम्परेचर का आपको बात करना है ना। तो सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं कॉमन यूनिट क्या होता है। तो कॉमन यूनिट वो होगा जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं उसका जो वो होता है कॉमन यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बोलिएगा? डिग्री सेल्सियस। कल ओके कोई आपसे पूछे कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, आप बिल्कुल उसे बताएंगे डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट आपसे यहीं पे हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ, है ना, एसआई यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होगा वो होता है कहीं ना कहीं कैल्विन। क्या होता है? कैल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉमन यूनिट टेम्परेचर का क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट क्या होगा बोलो? कैल्विन, जिसको के से डिनोट करेंगे, है ना। और अभी नीचे हम लोग लिखते हैं सिंपल, है ना, कन्वर्जन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू कैल्विन स्केल। किसमें? डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना है? कैल्विन में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू कैल्विन स्केल, कैसे हम डिग्री सेल्सियस को कैल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, निकालने का तरीका होगा, बोलिएगा टेम्परेचर इन कैल्विन स्केल, टेम्परेचर इन कैल्विन जो होगा, कैल्विन में जो आपका टेम्परेचर आएगा बराबर होगा टेम्परेचर इन, बोलिएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर इन कैल्विन बराबर क्या होगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये याद रखिएगा, कैल्विन स्केल में कैसे बोले? कैल्विन स्केल में यदि आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कीजिएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत अब नहीं, इसको राइट डाउन कर ले, ऊपर से रख कर रहा हूं ना, चलो ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि यदि आपको कभी डिग्री सेल्सियस दे देगी, टेम्परेचर हमको किस में चाहिए, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस चाहिए यदि हमको, तो इसको किधर भेजेंगे? इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलोगे? टेम्परेचर इन कैल्विन, कैल्विन स्केल या कैल्विन माइनस 273, ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो इसको आप किधर भेजिएगा? तो टेम्परेचर इन क्या हो जाएगा बोलो? कैल्विन माइनस 273। तो ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा बोलो? कैल्विन में कितना? कभी भी कैल्विन में टेम्परेचर देगा
तो आप उसमें 273 ऐड कर दोगे। केल्विन में टेम्परेचर पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिएगा। केल्विन में पूछेगा डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लीजिएगा। और यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, केल्विन में 273 माइनस कर देना है। और याद रखिएगा जो बड़ा वैल्यू होगा वो केल्विन का वैल्यू बड़ा होगा, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू छोटा होगा। बड़ा वैल्यू किसका होगा? केल्विन का वैल्यू बड़ा होगा और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू छोटा होगा। रब करूंगा वो करता हूं ठीक। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग फिर, तो ये तो आपका क्लास नाइन्थ का कुछ सिलेबस है ना, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं। आपको दे दी मान लीजिए क्वेश्चन, कन्वर्जन या कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ध्यान दीजिएगा किसको कन्वर्ट करने के लिए कहा, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। आपको केल्विन में चाहिए तो टेम्परेचर बोलिएगा इन केल्विन, केल्विन में जो टेम्परेचर होगा ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर क्या होगा बोलो, कभी भी ध्यान दीजिएगा तो इधर कर लेना है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा बोलो, केल्विन बड़ा होता है, डिग्री सेल्सियस में कुछ नहीं करना प्लस का 273 ऐड कर देना है। तो ये आपका टेम्परेचर किसमें आ जाएगा बोलिएगा, इन डिग्री सेल्सियस आएगा। और डिग्री में कितना है बोलो, 27 प्लस 273 तो ये आपका 300 केल्विन टेम्परेचर आएगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं, तो ये आपका कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल क्या बोले आपको, जब भी केल्विन स्केल में चाहिए डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में 273 को क्या कीजिएगा ऐड कीजिएगा और आपको टेम्परेचर आ जाएगा किसमें बोलिएगा, केल्विन में है ना। चलिए ठीक, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन जो है ये आपका है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतर ले नेक्स्ट टाइम पे, छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको है ना, देखिएगा टेम्परेचर है ना, या सिंपली कन्वर्ट 310 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो 310 केल्विन को किसमें चाहिए, डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, बड़ा है ना ये वाला वैल्यू याद रखना, डिग्री सेल्सियस छोटा होगा, छोटा वैल्यू होगा डिग्री सेल्सियस छोटा, तो यहाँ क्या करेंगे ना, डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हो तो केल्विन में माइनस करना है 273। देख लीजिएगा जब डिग्री सेल्सियस से किधर जाना हो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना हो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना हो है ना, सी से के मतलब छोटा सी ए बी सी, छोटा बड़ा से के बड़ा, छोटा से बड़ा जोड़ देना है, छोटा से बड़ा जाना ना जोड़ देना है कितना 273। अगर के से आना है सी मतलब बड़ा से छोटा, के ए बी सी डी में के सबसे पीछे, बड़ा से छोटा जब जाना है तो सिंपली क्या करोगे, बड़ा से छोटा घटा देना है, छोटा से बड़ा जाएगा तो जोड़ देना ठीक। और यहां से आपका आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। चलिए ठीक, अभी कभी कभी क्या होता है अपना साथ ध्यान देंगे कि ये तो आपका सिलेबस का है, आपके हिसाब से आपके सिलेबस का, हम आपको फारेनहाइट केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच रिलेशन बताते हैं। एक और टेम्परेचर स्केल इसके अंदर में मैं जोड़ रहा हूँ है ना, वो फारेनहाइट है ना, ये आपका सिलेबस खत्म है, यहाँ ध्यान दीजिएगा मतलब इसके हिसाब से नाइन्थ क्लास के हिसाब से, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा बोलो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना है, सी से के छोटा से बड़ा 273 जोड़ दो, के से सी बड़ा से छोटा आना है घटाना पड़ेगा, क्या करो 273 माइनस कर दो, क्लियर ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस कॉमा फारेनहाइट फारेनहाइट कॉमा केल्विन, क्या बोले, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस कॉमा
फारेनहाइट और कैल्विन। तो डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट और कैल्विन में जो रिलेशन होता है ध्यान दीजिएगा, आप उसको याद रखिएगा, सी बाय फाइव बराबर याद रखना है एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 और बराबर के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। ये डब्बा याद रख लीजिएगा, है ना। आपको जब रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच, फारेनहाइट और सेल्सियस, तो आप कुछ नहीं करना, सी बाय फाइव बराबर एफ माइनस 32 बाय 9 ये कर लीजिएगा, ये आपस में बराबर कर लीजिएगा। जब आपको फारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन चाहिए तो इसको और इसको आपस में बराबर कर लीजिएगा, जब सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन चाहिए तो इसको और इसको बराबर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, सी बाय फाइव बराबर एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू के माइनस 273 बाय 5। जब रिलेशन किसके बीच चाहिए, सेल्सियस और केल्विन के बीच, तो इसको सी बाय फाइव बराबर के माइनस 273 बाय 5 कर लीजिएगा। जब रिलेशन फारेनहाइट और केल्विन में चाहिए इसको आपस में बराबर कीजिएगा, जब रिलेशन डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में चाहिए तो इसको कर लीजिएगा। आपस में राइट डाउन कर ले, लिख ले। चलिए आप यहां से आप और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, यदि आपको सिंपलीफाई करना है तो और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे ये दोनों में रिलेशन भी आप कर सकते हैं सिंपलीफाई। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आपको कुछ नहीं। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, सी बाय फाइव बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9c बराबर क्या हो जाएगा, 5f माइनस 30 पंचे 150 दो पंचे 10 160। अब यहां से आपको कुछ नहीं टेंशन होगा, बोलो होगा c बराबर क्या हो जाएगा, बोलो c बराबर सीधे कर सकते हैं 5f माइनस 160 डिवाइडेड बाय 9। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, ठीक। तो ध्यान दे दीजिएगा, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतने कर सकते हैं, अब ये वाला ही रिलेशन निकला था तो यहां से भी कर सकते हैं। देखो क्या कहते हैं, बोलो c by 5 बराबर k minus 273 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, बोलो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बोलो केल्विन में माइनस कर देंगे 273, यही ना था, बोलो केल्विन में यदि चाहिए तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस का 273, यही ना है, बोलिए। चलिए कोई दिक्कत बाबू नहीं, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट एंड केल्विन, केल्विन फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्जन करना है, ठीक, जब करो चलिए ठीक, क्लियर। सी बटे फाइव बराबर एफ माइनस 32 बटे 9 और के माइनस 273 बाय 5 क्वेश्चन है ना। द बॉइलिंग पॉइंट of water in बोलो in Fahrenheit is, if ये तो बोलेगा नहीं, आपको पता ही होता, if boiling point in degree Celsius कितना होता है, water का boiling point degree Celsius में बोलो 100 degree Celsius। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस में चाहिए, फारेनहाइट में चाहिए, और उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है बचपन से ही जानते हो, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, बोलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमको फारेनहाइट और दिया क्या है, सेल्सियस दिया है, सेल्सियस फारेनहाइट में रिलेशन जोड़ना है, तो क्या बोलेंगे, बोलो सी बटे फाइव बराबर बोलिए एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, बोलो 9 से इसमें दिया हुआ ना, कितने दिए बोलो 100 बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, 5 से 20 टाइम्स में घटा 20 नवा बोलो 180 बराबर एफ माइनस 32, इसको इधर लाइएगा और इसको इधर लाइएगा तो 212 एफ, ये आपका कितना जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो 212 फारेनहाइट के बराबर होगा, 212 फारेनहाइट के बराबर होगा।
किसका बॉइलिंग पॉइंट बोलो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बोलो, है ना 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना का बोलिए, 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। कोई बच्चा बोला सर केल्विन स्केल में बता देते, तो बोलो सिंपल सोचिएगा क्या होता बोलो, इसी में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट कोमा केल्विन कर लो, केल्विन ए बॉइलिंग अब केल्विन है ना, तो टेम्परेचर किसका या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, केल्विन में कैसे निकालेंगे बोलिए, सी बटे फाइव कर ले बराबर क्या करें, सी बटे फाइव बराबर एफ माइनस कितना करें, सॉरी एफ क्यों लिखे भाई केल्विन ना, चलिए के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 कैंसिल हो गया, इसमें 100 दिया, ये के माइनस 273 हुआ, ये इधर गया 373 केल्विन आया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कोई दिक्कत बाबू, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत बोलिए, बिल्कुल नहीं, चलिए ठीक है समझ में आया, कैसे होगा कुछ नहीं करना है, जिसके जिसके बीच रिलेशन चाहिए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट को बदलना हो केल्विन में, किसी में भी आपस में बराबर करना और आंसर लेके आना, रख करो। तो आज के बाद ध्यान में रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोलिए किसका आपका सिंपली, है ना ध्यान दीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट, क्लियर, चलिए ठीक अब करो। चलिए कन्वर्जन याद रखना भाई, कन्वर्जन याद रखना भाई, चलो ठीक है एक क्वेश्चन देता हूं और भी देखो, है ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस, देन कन्वर्ट इट इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, किसमें कन्वर्ट करने का था, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, देन कन्वर्ट इट इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो आपको रिलेशन पता है, क्या पता है बोलिएगा, डिग्री डिग्री ध्यान दीजिएगा सेल्सियस को सी बाई फाइव बराबर हम क्या लिख सकते हैं बोलो, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, C का मान कितना दिया बोलो 0/5 बराबर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0/5 मतलब 0 F माइनस 32, तो जो टेम्परेचर आएगा बोलो, ये तो टर्म क्या हो गया बोलो 0 हो गया, इधर आएगा प्लस हो जाएगा F माइनस 32, यहाँ से लिख सकते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 32 कितना हो जाएगा 32 ध्यान दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को किसमें करना है केल्विन में, है ना, यहाँ से हम लोग करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या वाटर इन केल्विन स्केल, ध्यान दीजिएगा केल्विन स्केल क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो दिया क्या है डिग्री सेल्सियस में बदलना किसमें केल्विन, तो यहां से क्या करोगे बोलो सी बाय फाइव बराबर के माइनस 273 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोलिएगा 5 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हुआ के माइनस 273 इधर भेजिएगा तो के बराबर आ जाएगा 0 प्लस के बराबर 0 प्लस 273, तो जो टेम्परेचर होगा वो इन केल्विन में आपका आएगा 273 कितना आएगा 273, कोई दिक्कत बाबू नहीं, सिंपली एक रिलेशन ध्यान में रखिएगा सी बाय फाइव बराबर एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 और इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5, रख करो इसको, चलिए ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जानते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर अपने को तबियत खराब होता है बुखार आता है तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है अपना वो कहीं ना कहीं वो कितना होता है 98 बोलते हैं 98 वो क्या फ़ारेनहाइट है क्या है फ़ारेनहाइट, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बुखार में कितना होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है,
तो यहां से आप कह सकते हैं, है ना, बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इज कितना था बोलो, 98 का डिग्री फारेनहाइट, कन्वर्ट 8 इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको जब बुखार आता है, बुखार आने में क्या होता है, 98 फारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर होगा तब आप बुखार कहेंगे, है ना। और ध्यान दीजिएगा, सही ना, केवल फारेनहाइट में टेम्परेचर हम लोग मीजर करते हैं। और आपसे कोई पूछेगा आपको बुखार है, बताइए आपका जो शरीर का टेम्परेचर है वो कितने डिग्री से बढ़ा हुआ है, कितना डिग्री उसका टेम्परेचर राइज किया, कितना डिग्री सेल्सियस है। फारेनहाइट में पूछ के क्या पूछ दिया, डिग्री सेल्सियस। तो दिमाग में एक चीज याद रखना है कि जब बुखार नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होना चाहिए, 98 होना चाहिए। 98 से ज्यादा होगा तभी आपको क्या होगा, फीवर होगा। अदरवाइज फीवर नहीं होगा तो 98 जो फारेनहाइट है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। नॉर्मल, अब क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, बहुत बच्चा 98 डिग्री सेल्सियस 98 टिक कर देता है, नहीं बाबू वो फारेनहाइट होता है। क्लियर, हम लोग डिग्री सेल्सियस में देखेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो आंसर जो देखेंगे नॉर्मल, बोलिएगा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैसे निकालेंगे बोलिए, ये फारेनहाइट में दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करें बोलो, C/5 रिश्ता किसमें किसमें जोड़ना है, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। C/5 बराबर F-32 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ ये आपको कितना दिया हुआ है बोलो, ये कितना दिया भाई, इसको ना रखना है C/5, इसमें निकालना है डिग्री सेल्सियस में, ये 98 फारेनहाइट है, 32 डिवाइडेड बाय 9 कर लो और यहाँ से कर ले C/5 बराबर, ये आपका 98 में 32 गया, 66 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर, यदि 9 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, ये 5 से इसको कर लो तो क्या आएगा आपका C/5 बराबर, ये आपका आएगा 360, 6 × 36 = 60, 330। क्लियर, बटे 9, और जब इसको आप करके देखिएगा 9 × 3 = 27, 4 × 31 = 32 और 5 × 6 हुआ 9 × 7 = 63, नहीं हम दे 9 × 36 हमें पता है, 9 × 3 = 27, 6 0 हुआ ना, 6 0, और 9 से फिर काटे इसको, क्लियर, काटिए ना भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया C/5 भी कैसे रह गया। चलिए सी बराबर ये 330 डिवाइडेड बाय 9, 9 से काटिए कितना आएगा बोलिएगा, है ना, 9 से काटिए, 9 × 9 = 27, 32 × 36, 60, 9 × 36 = 45, 9 × 6 = 54, ठीक कितने आएंगे, 60 फिर रहेंगे, 9 × 6 = 54, 36.6 रह गया, लेकिन 36.6 डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस ये आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो 98 डिग्री फारेनहाइट लगभग 37 डिग्री के बराबर होता है, 98 डिग्री फारेनहाइट लगभग कितने के बराबर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो आपको पता भी चल गया बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। ध्यान दीजिएगा बुखार आने से क्या होगा पता है ना, और इसका मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो दिमाग में फिट कर लीजिएगा या आपको क्या हो गया, बुखार हो गया। ठीक, तो फारेनहाइट को किसमें कन्वर्ट करना है, वो जो आपका थर्मोमीटर में हम देखते हैं वो टेम्परेचर हमारा किसमें रहता है, डिग्री फारेनहाइट में रहता है। और यदि उसको हमको बुखार में कितना टेम्परेचर होता है बोलो, बोलो 37 डिग्री या 36.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपका शरीर का टेम्परेचर होगा। ठीक बाबू, कोई दिक्कत नहीं बाबू, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ लिए आपका डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्जन को, फिर से ध्यान दें एक बार बोल लीजिएगा, C/5 बराबर F-32/9 या सिंपली क्या करेंगे बोलो, K-273/5, ये याद रखिएगा, जो भी कन्वर्जन होगा एक दूसरे को कन्वर्ट करते रहें। क्लियर,
डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाने में क्या करना है बोलिएगा, 273.8 कीजिएगा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस आने में क्या करना है, 273 माइनस करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, है ना, चलते हैं, है ना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।